नमस्कार दोस्तों, ओल्डिस इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सीताराम। दोस्तों आज के वीडियो में आपको वीडियोकॉन डीटीएच का अपडेट बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको वीडियोकॉन डीटीएच का जो न्यू फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं आपको वीडियोकॉन डीटीएच की जो नई फ्रिक्वेंसी अपडेट हुई है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा कि नई फ्रिक्वेंसी अपडेट है वो फ्रिक्वेंसी कौन से सेटो बॉक्स में काम करेगी, कौन से में नहीं करेगी। तो इसी जानकारी के लिए दोस्तों पूरा वीडियो देखो। यहाँ देखिए दोस्तों, वीडियोकॉन डीटीएच के सेटो बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ वीडियोकॉन डीटीएच की दो फ्रिक्वेंसियाँ हैं, एक न्यू फ्रिक्वेंसी है एक पुरानी फ्रिक्वेंसी है। पुरानी फ्रिक्वेंसी पे दोस्तों जो आपके वीडियोकॉन के जो पुराने सेटो बॉक्स है वो पुरानी फ्रिक्वेंसी पे सेट होंगे, क्योंकि वो नए फ्रिक्वेंसी पे सेट नहीं होंगे। अब जो नए सेटो बॉक्स आ रहे हैं वो नई फ्रिक्वेंसी पे सेट होंगे। तो कभी भी अगर आप वीडियोकॉन डीटीएच सेट करने जाएँ तो दोस्तों आपको बॉक्स का पता होना चाहिए कि न्यू मॉडल का बॉक्स है या पुराने मॉडल का बॉक्स है। तो चलिए मैं आपको दोनों की फ्रिक्वेंसी बता रहा हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आपके पास जब वीडियोकॉन डीटीएच अगर आप सेटिंग करने जा रहे हो, अगर आपके पास पुराना सेटो बॉक्स है तो पुराने सेटो बॉक्स में जो वीडियोकॉन का फ्रीक्वेंसी है 11164 और सिंबल रेट है 44995 पॉलिटी वी रहेगा। आपका वीडियोकॉन डीटीएच पुराने मॉडल पे आपका इस फ्रिक्वेंसी पर सेट होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास नया सेटो बॉक्स है, अगर आप उसको पुराना फ्रिक्वेंसी पर सेट करने जा रहे हो तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अगर आप नए मॉडल का सेटो बॉक्स सेट करने जा रहे हो तो आपको वो डिस्टीवी के सेटेलाइट पर सेट करना होगा, जिसकी जो नई फ्रीक्वेंसी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि नई फ्रीक्वेंसी क्या है। यहाँ देखिए दोस्तों, जो यहाँ अगर आपके पास नया मॉडल का सेटो बॉक्स है और अगर आप वीडियोकॉन डीटीएच सेट करने जा रहे हो तो आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी पर सेट करना होगा। सिम 12688 सिंबल रेट रहेगा 27500 पॉलिटी वी रहेगा। यानी आपका जो नया सेटो बॉक्स सेट करने जा रहे हो, लगाने जा रहे हो, तो वो आपका डिस्टीवी पर सेट होगा। और अगर आप पुराना मॉडल से सेट करते हो तो आपको पुरानी फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको बताई है वो फ्रीक्वेंसी रहेगी। अगर आप नया मॉडल का सेटो बॉक्स इंस्टॉलेशन पे जा रहे हो तो आपको डिस्टीवी की फ्रीक्वेंसी पे सेट करना होगा, क्योंकि अभी जो जितने भी सेटो बॉक्स आ रहे हैं नए सेटो बॉक्स वो डिस्टीवी की 12688 सिंबल रेट 27500 पॉलिटी वी वाली फ्रीक्वेंसी पर सेट हो रहे हैं। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना होगा, अगर आप वीडियो को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो दोनों ही फ्रीक्वेंसी पे आपको देखना होगा। अगर आपके पास पुराना सेटो बॉक्स है तो आप पुरानी फ्रीक्वेंसी पे अपडेट सेट कर दीजिए, अगर आपके पास नया सेटो बॉक्स है तो नई फ्रीक्वेंसी पे सेट करो। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो दोस्तों आप परेशान होंगे और आपकी डिश सेटिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाया आप सबके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले।